अगर दूध पीना मर्डर है तो फास्ट फैशन एटम बॉम्ब से कम नहीं है। पर इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, जिस पॉल्यूशन के ऊपर कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो मैं प्रियंका और आप मिलकर इस फास्ट फैशन को और ब्रॉडर तरीके से देखते हैं, एक नए नज़रिए से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका और आप मिलकर हर स्टेप को देखेंगे, उसको डिकोड करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं और एक एटम बॉम्ब के जैसे ये हर रोज़ फूटता है। गाय को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है। GMOs का सबसे ज़्यादा यूज़ कॉटन फार्मिंग में ही होता है। GMOs एक आर्टिफिशियल बीज होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियली तौर पे डिज़ाइन किया गया होता है खास तरह से। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि पंजाब की वो जगह ज़्यादा रेतीली हो गई है जहाँ पे कॉटन फार्मिंग ज़्यादा होती है। पंजाब की मिट्टी का इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिर चुका है। एक हेल्दी मिट्टी में, जहाँ पे न्यूट्रिशनल लेवल मिट्टी में 2.5 होना चाहिए, पंजाब में वो 2 और कहीं पे तो 2 से भी कम हो चुका है। ये जो आर्टिफिशियल GMOs हैं, ये हमारी मिट्टी की शक्ति को खींच रहे हैं। गाय के बछड़े को उसका दूध नहीं पीने दिया जाता, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है? हम लोग हर सेकंड एक फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया का जंगल खा जाते हैं ताकि हमारी ये जो फालतू की डिज़ायर्स हैं ये पूरी हो सके। डिज़ायर्स उन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनकी एक्चुअली में हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमें सिर्फ बीमार और बीमार ही कर रहे हैं। कॉटन मैन्युफैक्चरिंग तो एक चीज़ है, उसके बाद जब कॉटन से कपड़े को बनाया जाता है, इसी प्रोसेस में बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, पल्यूट हो जाता है। वो इतना ज़्यादा पल्यूट हो जाता है कि उसको वापस सही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे ही नहीं, यमुना काली हो गई और गंगा जी मैली हो गई। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का है जो अपने केमिकल्स इसमें डंप कर देते हैं। अभी तो दोहन सिर्फ शुरू हुआ है, इसके बाद इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत जगह जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत सारा माइक्रोप्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उन टायर्स के ज़रिए। गायें इस प्रोसेस में कमज़ोर हो जाती है। एग्रीकल्चर फार्मिंग में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जो कंज्यूम करता है मिट्टी में से, वो कॉटन फार्मिंग ही है। कॉटन फार्मिंग मिट्टी को देती कुछ नहीं है, लेकिन मिट्टी से सब कुछ ले लेती है। इसका कंपैरिजन अगर मैं किसी भी और क्रॉप से करूं तो सबसे ज़्यादा मिट्टी जो बंजर होती है वो कॉटन फार्मिंग के कारण ही होती है। लेकिन कॉटन की बढ़ती हुई डिमांड के कारण इसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। कॉटन फार्मिंग सबसे ज़्यादा भूखी और प्यासी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉटन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम होता है और सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी यूज़ होते हैं। फास्ट फैशन में भी 70% फ्रेश कपड़े, मैं पुराने कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, 70% बिल्कुल फ्रेश कपड़े डंप कर दिए जाते हैं क्योंकि वो उस फैशन के अकॉर्डिंग नहीं रहते। जहाँ पे ट्रेंड्स पहले हर सीज़न में चेंज होते थे, उसके बाद वो हर 15-20 दिनों में चेंज होते थे, आज वो हर हफ्ते चेंज हो रहे हैं। और उस ट्रेंड को मीट करने के चक्कर में 70% से ज़्यादा कपड़े डंप कर दिए जाते हैं, और ये डंप किए हुए कपड़े जाते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में यहाँ पे भी इनकी कंजम्पशन पूरी नहीं हो पाती है। बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये डिमांड उठने लगी है कि हमें और तुम्हारा ये कचरा नहीं चाहिए कीजिए। और वहाँ पे लोगों ने अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है, उनकी जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट करने के लिए इन सब चीज़ों को इम्पोर्ट करना बंद कर दिया है। असली बॉम्ब अब फूटना शुरू हुआ है, तो प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। जब इस एक्सेस प्रोडक्शन को डिमांड कंज्यूम नहीं कर पाती है तो इसको डंप कर दिया जाता है। हर कपड़ा 100% नेचुरल नहीं होता, उसमें बहुत सारा सिंथेटिक फाइबर मिला होता है। हर कपड़े की कंपोजिशन अलग होती है। आप अपनी अलमारी में ही अभी जितने भी रेडीमेड कपड़े हैं उनके स्टिकर्स निकाल के देखिए, हर जो उसका जो लोगो है, जो उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें वो कॉम्बिनेशन अलग रहेगा। और इन अलग अलग कॉम्बिनेशन के कपड़ों को
एक ही कपड़े के साथ रिसाइकिल नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्लॉथ रिसाइकलिंग में। और उससे भी ज़्यादा भयानक चीज़ ये है कि जब भी हम इन कपड़ों को धोते हैं तो वॉशिंग मशीन में से ये जो कपड़े हैं छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होके, जितने भी नेचुरल फैब्रिक हैं वो नेचुरल फैब्रिक के माइक्रो कंपोनेंट्स में टूटते हैं, लेकिन जितना भी उसमें प्लास्टिक कंपोनेंट रहता है वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेचुरल फाइबर अपने आप ही कंपोस्ट हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन ये जो माइक्रो प्लास्टिक हैं ये बने रहते हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में, हमारी मिट्टी में। इसका रिज़ल्ट ये है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे पीने का पानी में माइक्रो प्लास्टिक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी कंट्री में ज़्यादा है और किसी कंट्री में कम है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि किसी कंट्री में बिल्कुल भी नहीं है। नदी तो कोई भी नहीं बची है, हाँ कुछ एक तालाब बचे हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़ीरो है, वो कुछ तालाब बचे हैं जहाँ पे पानी में माइक्रो प्लास्टिक नहीं है। उसके अलावा हर जगह पे माइक्रो प्लास्टिक है। अब ये माइक्रो प्लास्टिक सिर्फ उस नदी में नहीं रहता है, वो उस मछली में भी है, वो हमारी फसलों में भी है, वो हमारे अंदर भी है। और ये माइक्रो प्लास्टिक कहीं नहीं जाने वाला, ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे यूरिन में से निकल के फिर वाटर बॉडीज़ में जाएगा, वाटर बॉडीज़ में जाके फिर वो उन चीज़ों को पल्यूट करेगा और फिर वापस हमारे पास आएगा। ये जो साइकिल है ये कभी ना ख़त्म होने वाला साइकिल है। और ये लेगेसी जो सो कॉल्ड पल्यूशन की लेगेसी जो हम अपने जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, उसको कम करने की बजाय, उसको थोड़ा सा भी कम करने के बजाय हम हर रोज़ उसको बढ़ा रहे हैं, नए से नए कपड़े खरीद के और उनको बहुत ज़्यादा बार धो के। इसका सल्यूशन क्या? इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप अब भी अपनी अलमारी में से सभी कपड़े बाहर निकाल और उसको इस तरह से बेड के ऊपर बिखेर दीजिए और अपने आप से एक सवाल कीजिए, सिर्फ एक सवाल, क्या आपके पास कपड़ों की वाकई में ही कमी है? जब भी किसी खास ओकेजन पर हम लोग जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमारे पास कपड़े कम हैं, तो उस टाइम पे मांगने में बिल्कुल भी शर्म मत कीजिए। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बड़ों से मांगने में एक पैसे की शर्म मत कीजिए। ये जो साड़ी अभी आप देख रहे हैं ये मेरी सासू माँ की 40 से भी ज़्यादा साल पुरानी साड़ी है और ये ड्रेस के ऊपर मुझे जितने कॉम्प्लीमेंट मिले हैं विश्वास कीजिए इससे पहले कभी नहीं मिले। आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स की इस लेगेसी को पहनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फैशन वो नहीं है जो चार दिन में बदल जाए, सही फैशन, सही जो एथिकल चीज़ें हैं वो हैं जो 40-50 साल कम से कम जिंदा रहें। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो 40-50 साल तक भी रहते हैं, इसी कारण से उसे डिमीन किया जाता है, इसी कारण उसको कम करके दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर। उन्हें अपना फैशन सेल करना है तो एक स्टैंडर्डाइज्ड वेयरिंग पैटर्न होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा बेच सकें। और इस चीज़ को मीट करने के लिए, इस प्रोपोगेंडा को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो हमारे ट्रेडिशनल कपड़ों को डिमीन करते हैं, कम करके दिखाते हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल भी शर्म मत कीजिए अपने ट्रेडिशनल कपड़े हर रोज़ पहनने में। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप स्लो फैशन फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपको किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।